आंदोलन गुजरात में बिल्कुल से घर मानो घर में चलना चाहिए। सुरक्षा को तैयार है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा आदेश होगा, ऐसा कॉल होगा, तो हम बिल्कुल मानो जी घर चलेंगे। अब देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं घर जोड़ जाना चाहिए। बोलो जो करना कर दे, कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं। बिल्कुल हम गोलियों से नहीं डरते हैं, बौछारों से नहीं डरते हैं। हमने इनकी औकात बताई है, हमने वहीं पे भाजपा ही जब आते थे नेता, हमने उनको दुर्गति करी। हम ज्यादा नहीं कहना चाहें, संविधान का उल्लंघन होगा। हम इनकी औकात जानते हैं, इनका 56 इंच भी जानते हैं, ठीक है। आप मुंह गवाह बने, हम क्यों पीछे हटेंगे? जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर को भी मात दे दिए हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी हद तक उतर सकते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए। बताए रामराज की बात करते हैं, इन्होंने कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें खोली, क्या यही रामराज है? आपने राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पुलवामा में लोगों के जवानों के चिथड़े उड़वा दिए, और आप जो है कि अभी तक जांच नहीं हुई, आप सत्ता से कि यही राष्ट्रवाद है? हिंदुस्तान कभी टूटा है न टूटेगा, न तिरंगा झुका है न झुकेगा। ये कुछ भी कर लें, पूरा जोर लगा लें। किसान आंदोलन के मुंह पर तमाचा है कि हमने सड़कों पर कानून बदलवाया, और वो ताकत चली आ रही है। जिस दिन पूरा जनता खड़ी होगी, हमके 30 करोड़ की अल्पसंख्यक समुदाय जो आपकी मानो खड़ी हो जाए, इनकी अवकाश समझ आएगी। नूपुर मामले में जब कंट्री खड़ी हो गई, ये बगले झांक रहे थे, ये 56 इंच का चला। हम बिल्कुल मानो जी घर चलेंगे। एक आदमी कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। और यहाँ निश्चित रूप से मोदी का भेद खुल गया। आप देखिएगा, जैसे पंजाब में गए वैसे वहाँ पर गुजरात में भी जाएंगे, ये वादा है। लग रहा है आपको? लग रही, कन्फर्म है, क्योंकि देश जनता खड़ी हो गई है। ऐसा तो किसान आंदोलन के समय भी कह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जीता ना? नहीं तो चार राज्य जीते थे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक चीज में सिस्टम जीते हैं, वहाँ पे देखिए जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, आपका पहले उत्तर ले लीजिए। जो मूड आप जो यूपी का था 60% के खिलाफ था, 40% में जीते हैं। हम बटे थे, कोई सपा था, बसपा था, कोई कांग्रेसी था, अगर एक जगह लड़ते ना तो ये बैक तो गुजरात में नहीं है ना, गुजरात में नहीं है, गुजरात में 2 पार्टियां हैं, बिहार में 2 पार्टियां। जहाँ 2 पार्टियां होगी ये जाएंगे। दिल्ली में छटपटा रहे हैं, सत्ता नहीं मिली यूपी में। एक होने के मामले में बीजेपी का ये आर्गुमेंट है कि देखो सारे छोर एक हो जाते हैं, चूंकि हम सच पर है इसीलिए बाकी लोग एक हो रहे हैं डर से। तो इसे आप किस तौर पर देखते हैं? बिल्कुल, ये लोकतंत्र पे, ये लोकतंत्र लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब इस देश पर आतंकियों आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, तब तक भारत एकजुट हुआ है। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। न हिंदुस्तान कभी टूटा है न टूटेगा, न तिरंगा झुका है न झुकेगा। ये कुछ भी कर लें, पूरा जोर लगा लें। किसान आंदोलन के मुंह पर तमाचा है कि हमने सड़कों पर कानून बदलवाया, और वो ताकत चली आ रही है। जिस दिन पूरा जनता खड़ी होगी, हमके 30 करोड़ की अल्पसंख्यक समुदाय जो आपकी मानो खड़ी हो जाए, इनकी अवकाश समझ आएगी। नूपुर मामले में जब कंट्री खड़ी हो गई, ये बगले झांक रहे थे, 56 इंच का चला गया था। तो हम तो धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, घर से बैठे हुए आराम से लड़ रहे हैं, इसलिए ये मजबूत हैं। अभी 2024 का चुनाव था, तो इस समय जो है आपका पुलवामा अटैक उन्होंने कराया, और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की साजिश थी। इस तरीके से गलवान घाटी का भी उन्होंने कराया। 2024 का चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि 2000 चुनाव के लिए जो है नुपुर शर्मा का भी कत्ल हो सकता है, कि इस बात से कितना? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जिसमें हिरण पांड्या का हुआ, CDS का, CDS की फाइल खुली, बताइए CDS का हुआ, बिल वही सबका हुआ। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आंदोलन मतलब कि सत्ता जीवी है, सत्ता के लिए न इनके हिंदू मायने रखता ना मुसलमान मायने रखता है। सत्ता के बीच में जो आया कटअप कर देंगे। इनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र, कथित हिंदू राष्ट्र, एक विचारधारा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश अलग अलग संप्रदाय, जाति, धर्म अलग अलग है, यहाँ खाना पीना अलग, एक भाषा कैसे हो सकती है? विविधता यहाँ खूबसूरती है, अनेकता में ही एकता खूबसूरती है, आप कैसे कर लेंगे? तो ये रसिया और चाइना से चलता हुआ, ये भी आजीवन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। बिल्किस बानो बहन की लड़ाई आम लोग लड़ाई है, और निश्चित रूप से इस लड़ाई को देख रहे हैं आगे, जैसे किसान आंदोलन बढ़ा था, ये और लोग जो बोल नहीं पाए वो भी सामने आए, और भी ऐसे रिहा हुए होंगे। तो ये लड़ाई को हम बड़ी लड़ाई मान रहे हैं। इस लड़ाई को हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता, जो अमन पसंद है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान में विश्वास रखती है, उसके साथ आएगी। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्टियों में बढ़ जाते हैं सपा, लेकिन यहाँ तो जातियों में लोग बढ़ गए हैं। अब जैसे तो ये पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश खासकर, वो जाति आधारित पार्टी है, यादव की पार्टी, सपा
तो उनकी पार्टी बटे हुए हैं और राज्यों में नहीं, जहाँ दो पार्टी हैं वहाँ बुरी तरह हारते हैं, हारेंगे। बलात्कारियों को संस्कारी कहा जा रहा है और इसलिए उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, इसे कैसे देखें? पगला गए, सठिया गए हैं। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर को भी मात दे दिए हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी हद तक उतर सकते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए। उसको आप कंडेम नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं कि भारतीय संविधान की मैं रक्षा करता हूँ, मैं संस्कारिक पार्टा हूँ, राम राज के चरणों उनके बताए रास्तों पर चलता हूँ। आप बताए ये राम राज की बात करते हैं, इन्होंने कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें खोली, क्या यही राम राज है? आपने राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पुलवामा में लोगों के जवानों की चिथड़े उड़वा दिए और आप जो है कि अभी तक जांच नहीं हुई, आप सत्ता से कि यही राष्ट्रवाद है? बलात्कारियों को ब्राह्मण कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तरह से ब्राह्मण को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए न ब्राह्मण के न मुसलमान, ये ब्राह्मण को ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। मैं भी ब्राह्मण हूँ जी, मैं भी और भी लोग ब्राह्मण आपके साथ यहाँ होंगे, हर जातियों को होगी। ये ब्राह्मण को भी बदनाम कर रहे हैं, सोचे वोट बैंक, लेकिन मैं खिन्न हूँ। तो आज कितने लोग जो है बिल्किस को ब्राह्मण लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से यहाँ हमारे संज्ञान में अतुल खड़ा हुआ है, हम लोग 10-15 आदमी जो ब्राह्मण हैं जो खड़े हुए हैं भारतीय किसान तरफ से। ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, बात आपने सवाल पूछा, इनका जवाब दिया मैंने। हम ये कह रहे हैं कि जो फौजी लोग किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए आप रिटायर्ड फौजी आप जाएंगे मुखर कर बोलेंगे? जी बिल्कुल मुखर के बोल रहा हूँ, बोला था, अब बोल रहा हूँ, बोलूंगा, गया था, हम लोग जमीन पे काम कर रहे, गया था, आया हूँ और जाऊंगा, पूरा इंसाफ दिलाएंगे। बिल्कुल, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगेबान जवान किसान मजदूर रेहड़ी पटरी वाला पकड़ी वाला हो, आज वो व्यक्ति उतर गया है। हाँ, आपसे इसलिए सवाल किया क्योंकि आप मुखर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम गोलियों से नहीं डरते हैं, बौछारों से नहीं डरते हैं, हमने इनकी औकात बताई है। हमने वहीं पे भाजपा ही जब आते थे नेता, हमने उनको दुर्गति करी, हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, संविधान का उल्लंघन होगा। हम इनकी औकात जानते हैं, इनका 56 इंच भी जानते हैं, ठीक है, आप मुख गवाह बने, हम क्यों पीछे हटेंगे? अच्छा, आपको क्यों लगता है, ऐसा क्या लगता है कि जिस तरह से 11 को रिहाई किया गया गुजरात में चुनाव से जोड़कर इसको देख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, 101%, सिर्फ ये वोट का एजेंडा है, सारे काम वोट आधारित हो रहे हैं, ये बूथों को मजबूत कर रहे हैं, पहले ए बी किया, अब ए, अब सी और डी कर रहे हैं, तो इनका बूथों का मजबूत करने का, अगर आप हैदराबाद में टी राजा के पास जाएंगे और वहाँ वीडियो क्लिप निकालें तो वहाँ लोकल लोग नहीं है, स्थानीय लोग नहीं है, न समर्थन न विरोध, जो विरोध कर रहे हैं जो ये टी राजा का वो स्थानीय है, लेकिन समर्थन करने वाले नहीं है, इनका प्रायोजित होता है, आरएसएस के लोग वहाँ से आते हैं, ऐसा देश बताने का प्रयास कर रहा है। इनके समर्थक से 10% में से 10% ब्राह्मण मुस्लिम ब्राह्मण राजपूत और वैसे हैं, उसमें से पूरे समर्थक नहीं है, 5-6% लोग देश को गुमराह किए हुए हैं कि सब सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं। सर एक सवाल है आपसे, बिल्किस बानो जो इनके अपराधियों को छोड़ दिया गया और उनके डर से अपना घर छोड़े हुए हैं और दर दर भटक रही हैं, उनकी हिफाजत के लिए सरदार रब्बी शेरगिल है, उन्होंने कहा है कि गुजरात वहाँ पंजाब आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे, क्या कहना चाहते हैं? पंजाब जी आए हम चले पंजाब, क्यों वहाँ क्या कर लेंगे वो, उनकी क्या औकात है, वहीं पे रहना चाहिए, लोगों को चलना चाहिए, जो स्थानीय इकाई है जाके वहाँ करे, क्या कर लेंगे वो, गुजरात में रहना चाहिए, आंदोलन गुजरात में बिल्किस के घर बानो घर में चलना चाहिए। मुझे पता है जब लोग मंच पे बैठते हैं तो कैसे कैसे कोसते हैं, हमने भी आज टेनी को इतनी गालियाँ दी हैं लोगों ने, इतने किया है कि एक एक आदमी जो बच्चा कभी बोल नहीं सकता वो भी स्टेज पर के बोलता है, तो बिल्किस बानो के गाँव में होना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए, सुरक्षा को तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा आदेश होगा, ऐसा कॉल होगा, तो हम बिल्किस बानो जी घर चलेंगे। अब देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं घर जोड़ जाना चाहिए, बोलो जो करना कर दे, कर सकते हैं बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? काफी मुस्लिम है, वो भी पलायन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, डट के रहना चाहिए। क्या बाकी और लोग जो जेल में हैं जैसे निकल गए, तो जो रेप सर्वाइवर अभी है उनको क्या डर नहीं लगेगा कि इस तरह के लोग फिर बाहर आ रहे हैं और भी लोग को छोड़ देंगे इस तरह अच्छे व्यवहार पर, तो ये देश कैसे चलेगा? आशाराम भी आशा लगाया बैठे होंगे। मैंने एक सवाल शुरू में किया था, उससे ज्यादा दिन के 15 साल से ज्यादा दिन के कैदी पड़े हुए हैं और कम संगीन धाराओं के हैं, तो पहले किसको रिहा होना चाहिए, पहला मेरा सवाल सरकार से, इनको क्यों किया कहीं ना कहीं, हाँ तो वही सवाल है, तो ये छुपे भेड़िए हैं, ये अच्छा बनने का प्रयास कर रहे थे और अच्छा उसमें इनका एक फंडा था कि हम इतने में निकालेंगे और सारे तुम अच्छे बनो, रिपोर्ट वही बनाते, रिपोर्ट कौन बनाता है बताइए मुझे, रिपोर्ट कौन, सब इनकी है, लेकिन
इसको अंदर होना ही चाहिए, मैं बस सब सिंपल सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि अंदर जाए बस। सर जो कमेटी बनी थी वो कह रहा है कि ये ब्राह्मण थे और इनका अच्छा आचरण था इसलिए इनको छोड़ दे। बस ब्राह्मण और बाकी लोग क्या है, बाकी लोग आचरण नहीं है क्या? क्या इनमें भीमराव अम्बेडकर में आचरण नहीं था, कबीर में आचरण नहीं था, रैदास में आचरण नहीं था, मुझे बताइए सूफी संतों में आचरण नहीं था? आचरण सिर्फ ब्राह्मण था, सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद उसको कुछ दिया जाता है, चाहे किसी धर्म का संप्रदाय का है। अगर एक हिंदू का बच्चा अगर मुसलमान घर में बचपन में दे दिया जाए तो संस्कृत बोलेगा नहीं, वो कुरान की आयतें पढ़ेगा, ये तो व्यवस्था है। सबसे पहले मैं सरदार भगत सिंह का पोषक हूँ, सबसे पहले व्यक्ति पैदा होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई भी ब्राह्मण राजपूत नहीं, ये सब बांटने की साजिश हो रही है। ठीक है आप एक समुदाय में रहते चलाइए, जिस प्रकार सिस्टम जो इजाजत देता है हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये बांटने की राजनीति हो रही है, कोई ब्राह्मण नहीं, सब में चीज़ है, जो दिमाग दिया है, दो हाथ पाँव दिया है, सब सो सकता है, सब संस्कारी बन सकता है, सब संस्कार। आपको क्या लगता है क्या ब्राह्मण अगर है तो उसका आचरण अच्छा ही होगा? नहीं नहीं सबका, मैंने कह दिया ना सबका, ऐसे ऐसे शुक्ला क्या था, आप ब्राह्मण सुनेंगे माफिया डांस सारे ब्राह्मण हैं बताइए मुझे, तो कैसे मान लेंगे? आपका आपका प्रमाण देने का क्या औचित्य है कि ब्राह्मण ही होते हैं? ब्राह्मण में चोर डकैत नहीं, हर जातियों, विवेकानंद ने हर जातियों धर्मों में नीच लोग, बदमाश लोग रहते हैं, और किसी एक 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 जात को धर्म को सर्टिफिकेट देना कहाँ तक उचित है? आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या मानक आपका पसंद होता है बताइए मुझे? आजकल अधिकतर ब्राह्मण मीट मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं? तो बताइए कैसे रह गए? सब में है, और ऐसे भी लोग हैं जो अन्य जातियों में मीट का नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण के परिभाषा बता देना चाहता हूँ, ब्रह्म जो संस्कृत ब्रह्म धन आयन, जो आयन माने होता है शीशा दर्पण, जो ब्रह्म को जानता है।